जिस तरह के अभी हिंसा का माहौल शुरू हुआ है हरियाणा से लेकर के चलती ट्रेन में कोई आरपीएफ का जवान गोली मार दे रहा है, जिसका काम है रेलवे में सुरक्षा देना, वो रक्षक अगर खुद भक्षक बन जाए, हिंसक बन जाए, तो बहुत खतरा है बड़ा। हर ट्रेन में हम लोग चढ़ते हैं तो आरपीएफ के जवान बगल से गुजरते हैं, तो कल तो आरपीएफ के जवानों को देख करके लोग डर जाएंगे। तो हमें लगता है कि ये जो देश में रेलवे की यात्रा इतनी असुरक्षित हो गई, सरकार को इसका भी जवाब देना चाहिए। खैर, ये सरकार कोई जवाब देगी नहीं। चलती ट्रेन में वो जो काफिल है वो भी चल रहा है, वो चलते हुए गोली दागते हुए मारते हुए चल रहा है। अगर कहीं बाई चांस वो मारने वाला वो अगर किसी दूसरे धर्म का अगर होता और अगर कुछ और नारा दे रहा होता, तो अब तक देश में क्या माहौल बना दिया गया है। जो मणिपुर है वो अलग थलग नहीं है, पूरे देश को मणिपुर बना देने की एक पूरी कोशिश चल रही है। जंतर मंतर पर यूथ पार्लियामेंट लगी है, गरीबी, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था जैसे तमाम मुद्दे को उठाए जा रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं सीपीआई महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, क्या कहेंगे, कितना असर पड़ेगा इसका? बिल्कुल पड़ेगा, ये आंदोलन, ये जो पूरे देश के वो भी नौजवानों का आंदोलन, तो हमें तो लगता है कि सबसे ज़्यादा असर हमेशा नौजवानों के आंदोलन का होता है। किसान भी आंदोलन में है, तो जहाँ नौजवान और किसान साथ में हो तो निश्चित तौर पर आंदोलन का असर पड़ेगा। और देश में इसीलिए आप देखेंगे कि सरकार भाग रही है, सरकार इस समय घबराई हुई है, और हमें लगता है कि नौजवानों को इसी समय आगे बढ़ना चाहिए। बार बार विपक्ष ये जवाब मांग रहे हैं लेकिन अंदर सदन के अंदर जवाब नहीं मिल रहा है, क्या लगता है, सवालों से भाग रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सवालों से भाग रहे हैं, और पूरे देश में संसदीय प्रणाली को खत्म कर देना सरकार चाहती है, संविधान को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहती है। और आप तो देख रहे हैं कि जैसे अब G20 खत्म होगा तो जिस तरह के अभी हिंसा का माहौल शुरू हुआ है हरियाणा से लेकर के चलती ट्रेन में कोई आरपीएफ का जवान गोली मार दे रहा है, ये जो पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि इस समय किस तरह से हर जिले में एक सांप्रदायिक तनाव की तैयारी हो रही है, तो आगे समय में एक जबरदस्त हिंसा के आग में देश को झोंकने की, जो मणिपुर है वो अलग थलग नहीं है, पूरे देश को मणिपुर बना देने की एक पूरी कोशिश चल रही है। और इसीलिए हमें अच्छा लगा कि नौजवानों ने ये नारा भी दिया कि मुद्दा मत भटकाओ, रोजगार कहाँ है वो बताओ। मोदी जी, नेशनल मीडिया के थ्रू जो आरपीएफ का जवान है उससे साइको बताया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल मोदी, वो जो वीडियो है वीडियो तो साफ बता रहा है कि वो कह रहे हैं कि भाई आप पाकिस्तान के इशारे पर रहते हैं, काम करते हैं, देश में रहना होगा, वोट करना होगा तो मोदी और योगी ही है और कोई विकल्प नहीं है। तो ये कहते हुए, और कोई अगर देखिए मानसिक तनाव में कहीं कोई गोली चलाता है, अमेरिका में भी हमने देखा कि कभी कोई स्कूल में जाकर के कुछ चलाते हैं, तो वो एक ही जगह पे चलाते हैं और उसी में कहीं चार लोग पांच लोग गोली मर जाए। यहाँ जो इनको हमने देखा कि एक कोच से दूसरे कोच में चलते हुए चलती ट्रेन में वो जो काफिल है वो भी चल रहा है, वो चलते हुए गोली दागते हुए मारते हुए चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में बहुत साफ है। और इसको दबाने की जो भी कोशिश हो, हमें लिखा कि कई लोगों ने ये सवाल जो उठाया कि फर्ज कीजिए अगर आप सोचिए कि अगर कहीं बाई चांस वो मारने वाला वो अगर किसी दूसरे धर्म का अगर होता और अगर कुछ और नारा दे रहा होता, तो अब तक देश में क्या माहौल बना दिया गया है। इससे ये तो बहुत साफ बात है कि लोगों को डराने की पूरी कोशिश है, और ऐसे मामलों में जहाँ जिसका काम है रेलवे में सुरक्षा देना, वो रक्षक अगर खुद भक्षक बन जाए, हिंसक बन जाए, तो बहुत खतरा है बड़ा देश को। कैसी सजा होनी चाहिए इस तरह के जुर्म को करने के बाद, कैसी सजा होनी चाहिए? क्योंकि आरपीएफ का जवान है जो जिम्मेदार है, साइको होना है उसका मतलब पहले ही जो भर्ती के होंगे तो आरक्षित ले जाने के बाद भी उसको साइको बताया जा रहा है। नहीं, इसमें तो देखिए कानून तो देश में साफ है, सजा कड़ी से कड़ी सजा बिल्कुल मिलनी चाहिए। और हमें लगता है कि अब तो आम लोगों के सामने भी बड़ा सवाल है कि रेलवे में यात्रा करना कितने बड़ा, इससे पहले हमने मॉब लिंचिंग करता है, तो मॉब लिंचिंग के मामले में शायद हरियाणा के एक नौजवान को ईद के समय में मार दिया गया था, तो मॉब लिंचिंग एक बात है, लेकिन अगर रेलवे में जो आरपीएफ का जवान, हर ट्रेन में हम लोग चढ़ते हैं तो आरपीएफ के जवान बगल से गुजरते हैं, तो कल तो आरपीएफ के जवानों को देख करके लोग डर जाएंगे। तो हमें लगता है कि ये जो देश में रेलवे की यात्रा इतनी असुरक्षित हो गई, तो सरकार को इसका भी जवाब देना चाहिए। खैर, ये सरकार कोई जवाब देगी नहीं,
और इसीलिए जनता को ही जवाब दे देना है और 24 के चुनाव में इस सरकार को सत्ता से बेदखल करके नीतियों को बदल करके देश में शांति का न्याय का माहौल पैदा करके ही हम लोग जवाब दे सकते हैं। हमें जवाब देने की तैयारी। हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है और एक डबल इंजन सरकार होने के बाद भी एक पार्टी के थ्रू दूसरे धर्म के लोगों ने उन पर हमला किया, वार किया। बिल्कुल बिल्कुल। 2000 मंदिरों पे सबसे बड़ा उदाहरण तो मणिपुर अब आ गया है। तो डबल इंजन तो एक जो मुहावरा है वो है डबल तबाही के लिए। लोगों को दो दो इंजन, एक भी इंजन जनता के लिए नहीं है, वो डबल बुलडोजर है, वो डबल एक्सीडेंट है। और इसीलिए डबल जहां भटकी हुई इंजन हो, पूरे पटरी से गाड़ी उतर गई हो, तो वहां डबल इंजन का मतलब लोगों के लिए डबल तबाही। और वो चाहे मणिपुर हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे देश का कोई भी हिस्सा हो। आप मणिपुर के नाम ले रहे हैं, मणिपुर पे दोनों तरफ से पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से ये बोला जा रहा है संसद पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन संसद पे चर्चा नहीं हो रही, चर्चा ना कोई होने दे रहा है ना कोई कर रहा है। नहीं नहीं, चर्चा बिल्कुल हो सकती है, सरकार को चर्चा करानी चाहिए। ये जो विपक्ष के लोगों ने मांग किया कि भाई ये जो संसद में चर्चा करने के लिए अलग अलग नियम कानून है उसके लिए बनाए गए, वो तो मुद्दों की गंभीरता के हिसाब से। तो मणिपुर अगर देश के सामने इतना गंभीर एक मुद्दा है और जिसमें सरकार की लापरवाही नहीं सुननी, इस पूरे अपराध में सरकार की सहभागिता, मणिपुर सरकार की भी और केंद्र सरकार की चुप्पी को भी मैं मानता हूँ कि सरकार की सहभागिता है, तो ऐसे मसले पर पूरी गंभीरता के साथ चर्चा हो। और इसीलिए 267 की मांग की गई थी, सरकार भाग रही है, इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव भी आया है। अब आप देख लीजिए सरकार संसद से क्यों नहीं भाग रही है, सुप्रीम कोर्ट में जहाँ चीफ जस्टिस ने सवाल तो पूछ दिया है, लेकिन क्या सरकार कोई जवाब दे रही है? वहाँ भी जवाब नहीं दे रही है। तो सरकार तो इन सवालों से हर जगह भाग रही है और मेरे ख्याल से इस सरकार का ये भागना ये अपने आप में देश की जनता को बहुत कुछ बता दे रहा है। तो क्या 2024 में भी भगा देगी जनता इनको? बिल्कुल हमें तो उम्मीद है इस समय। और जो हमारे नौजवान साथियों ने मुद्दा ये कहा कि मुद्दा मत भटका, पिछली बार 18 में भी माहौल था लेकिन 19 में पुलवामा ने माहौल बदल दिया, इस बार कोई पुलवामा ना हो और देश में इस पूरे चुनाव का जो माहौल बन रहा है लोग अपना निडर होकर के वोट डाल सके, अपने मुद्दों पर चुनाव हो, तो निश्चित तौर पर इस सरकार का जाना तय है।